अनाज मंडी में, जहां पर आढ़ती एसोसिएशन द्वारा पिहोवा के सभी आढ़तियों द्वारा एक बैठक करके किसान आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की गई है, और दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को सहायता पहुंचाने का फैसला भी यहां के आढ़तियों द्वारा लिया गया है। इस बारे में हमारे साथ पिहोवा अनाज मंडी के आढ़ती मौजूद हैं। आओ बातचीत करेंगे इनसे कि क्या मुद्दा था इनकी बैठक का, क्या निर्णय हुआ और किस निष्कर्ष पे ये पहुंचे हैं कि आगे क्या रणनीति रहेगी, कैसे ये लोग किसान आंदोलन को समर्थन करेंगे। मेरे साथ हैं इस समय अनाज मंडी के आढ़ती व पूर्व मंत्री बलवीर सैनी जी, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार ये किसान आंदोलन को आढ़ती लोग समर्थन देंगे। बलवीर सैनी जी, देखिए आज पिहोवा अनाज मंडी के सभी आढ़तियों ने एक मीटिंग की। केंद्र सरकार ने जो 3-4 मास पहले कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश जो पास किए थे, उनके विरोध में आज समूचे हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान आज सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उन्होंने बड़े संघर्ष और तकलीफ भी उठानी पड़ी, क्योंकि प्रांतीय सरकारों ने बैरिकेड लगाए, पानी की बौछारें उन पर छोड़ी, लेकिन ये किसान धरती पुत्र ये अपनी जान को जोखिम में डाल करके सभी समस्याओं की को पार करता हुआ दिल्ली तक पहुंच कर गया, और आज वहां पर डेरे जमाए बैठा है। दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते आज किसानों ने बंद कर दिए। तो आज पिहोवा अनाज मंडी की जो आढ़तियों ने मीटिंग की है, उन्होंने एक फैसला लिया है सर्वसम्मति से, क्योंकि ये 3 अध्यादेशों में मंडीकरण को समाप्त करने की भी सरकार की एक साजिश है, क्योंकि वर्षों से जो चला आ रहा था उनका पारंपरिक धंधा था जो ये आढ़त का बुजुर्गों से, आज सरकार हमें बार बार ये बात कह करके कि ये आढ़ती तो ये बिचौलिए हैं, ये शब्द कह करके आज हमें अपमानित कर रही है। तो आज हमने ये फैसला लिया कि जो हमारे साथी लाखों की संख्या में दिल्ली को घेरे हुए हैं, आंदोलन पर हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। आज यदि 3 बजे मीटिंग है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, यदि आज इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और ये आंदोलन संघर्ष आगे बढ़ा, तो पिहोवा अनाज मंडी के आढ़ती, हम पैसे की कोई कमी नहीं, अपने अपने दुकानों से अपनी इच्छा से आज उन्होंने 5-6 लाख रुपए का धन राशि के इकट्ठा करने की घोषणा कर दी, और अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के उन्होंने किया कि वहाँ जो भी हमारे उन किसानों को जो धरने पर बैठे हैं, किसी तरह की जो कमी है, चाहे क्योंकि ठंड का मौसम है, आज ठंड के मौसम में आज बहुत दिक्कत आती है, चाहे गद्दा है, चाहे कंबल है, चाहे खाद्यान्न की सामग्री है, हम यहाँ से 1-2 दिन के अंदर अंदर ट्रक भर भर करके इन चीजों का हम वहां पर दिल्ली पर पहुंचाएंगे। और यहाँ के किसान भी आज मीटिंग में आ गए थे, किसानों ने भी हमारे यहाँ पे विधानसभा के किसानों ने ये कहा है कि हम वैसे नहीं, जब सामान लेकर के जाएंगे तो यहाँ से किसानों का 1000 की संख्या में एक जत्था भी आपके साथ साथ चलेगा, आढ़ती भाई और व्यापारी भाई भी साथ साथ चलेंगे, और जाकर के उन अपने भाइयों का हौसला बढ़ाएंगे जो आज दिल्ली को घेरे हुए बैठे। साथ हैं चौधरी जगत सिंह जी, जो कि किसान नेता है, और ये बताएंगे कि क्या निर्णय किसानों ने लिया है इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद। आज हमारे पिहोवा मंडी के आढ़तियों ने सबसे बड़ा कदम उठाया है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि हमारे हिंदुस्तान के किसान सारे अपने कृषि के जो खिलाफ जो कानून भारत सरकार लेकर के आई है, उसके खिलाफ आज हमारे पिहोवा हल्के की अनाज मंडी और पूरे किसानों ने एक मन बनाया है कि हमारे जो किसान आंदोलन में बैठे हैं उनकी मदद करेंगे। और यहाँ से जो मंडी का, मैं सबसे ज़्यादा अपनी पिहोवा मंडी की अनाज मंडी का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने किसानों के लिए आगे आए और धनराशि इकट्ठा करके और अपने आंदोलन के लिए वो परसों का इन्होंने टाइम रखा है। पूरे किसान और आढ़ती व्यापारी सब इकट्ठे होकर के किसान भाइयों का स्वागत करने के लिए और उनका धन्यवाद करेंगे। तो ये थे किसान नेता जगत सिंह। अब हमारे साथ कुछ और आढ़ती भी हैं, उनसे बात करेंगे। पुरा जी हैं जिन्होंने पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान अह
अहम भूमिका निभाई थी जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो इनसे भी जानेंगे क्या कहना है इनका। मैं खेती बाड़ी से भी संबंध रखता हूँ, किसान भी हूँ और पेहवा अनाज मंडी में मेरी आड़त की दुकान भी है, और मैं सबसे पहले सर्वोपरि हमारे लिए सभी हित छोड़ करके किसान है, क्योंकि किसानों का और मजदूरों का और व्यापारी का ऐसा नाता है, अगर इन तीनों में से एक को भी कोई नुकसान होता है तो दो तो अपने आप ही मर जाएंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जो भाई हमारे दिल्ली में बैठे हैं, हम राजनीति छोड़ करके पार्टी हित छोड़ करके पहले हमारे को किसान और खेती, बाद में सब काम दूसरा। तो मैं आज हमारी अनाज मंडी के सभी आड़ती भाइयों ने और बीच में किसान भाई भी बैठे थे पेवा हल्का के, सभी ने मिल करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि हम जो हमारे भाई दिल्ली में बैठे हैं चारों तरफ, हम उनके लिए किसी भी तरह धन की, अन्न की, कोई साजो सामान की, गद्दे की, कंबल की कमी नहीं आने देंगे, और हम उसे कंधे से कंधा मिला करके सभी आड़ती और जत्थे के रूप में किसान, हम दिल्ली के लिए अगर आज कोई फैसला नहीं होता तो परसों या कल शाम को हम यहां से रवाना होंगे। बीच में होने वाली बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो इसके बाद क्या रणनीति रहेगी, जानेंगे जगदीश राठी जी से। देखिए, पहले तो मैं सहकारी सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपना अहम छोड़कर आज की जो मीटिंग हो उसको सकारात्मक तरीके से किसानों की मांगें मान ली जाएं। अगर ये इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेना चाहते तो इसमें एक चौथा कानून ले आए जो सभी किसान मांग रहे हैं, MSP की गारंटी कर दी जाए, और यदि किसी कारण से ये विफल होती है तो जो एक कमेटी बनी है किसान संघर्ष समिति, जो वो फैसला लेगी, हमारी मंडी एसोसिएशन, पेवा हल्के के लोग, हम सब जाकर, जैसे कि आज हमने अपनी मीटिंग में फैसला लिया, जो भी उनको आवश्यकता होगी, उस चाहे वो धन की होगी, चाहे वो अन्न की हो, चाहे वो गद्दे की हो, कंबल की हो, मेडिकल किसी रूप में भी कोई दवाई की हो, हम सब पेवा हल्के से पूरी मंडी किसानों के साथ हैं, उनका साथ देंगे। और भविष्य में अगर ये आंदोलन, जन आंदोलन जो लंबा चला, तो हम उनका जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक उनके साथ हैं। धन्यवाद आप सब पत्रकार मेरे छायाकार भाई, इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपका एसोसिएशन की तरफ से, अपनी तरफ से, पेवा हल्के की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे पिहोवा अनाज मंडी के आड़ती और किसान, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देंगे, चाहे वो धन की कमी हो, चाहे वो अनाज की कमी हो। मेरे गांव से तो पहले ही आज चार ट्रालियां राशन की और लोगों की भरकर चली गई हैं। बाकी हमने मंडी में जो फैसला मंडी में लिया है, मैं सभी आड़ती भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। हम कितने दिन भी ये चलेगा, मान ले किसान आंदोलन चलेगा, हम इनकी मदद करते रहेंगे जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आड़ती और जिम्मेदार वहाँ से नहीं उठेंगे, सरकार के नाक में दम करके रखेंगे जब तक ये वापस नहीं लेंगे कानूनों को। सहयोग किसानों के लिए लेकर आए हैं, कोई घोषणा करने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या घोषणा वो करने जा रहे हैं। राम कुमार महला, जो भी मेरे भाई किसानों के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, किसान भाई, उनके ट्रैक्टरों के लिए तेल की व्यवस्था करी है, सब फ्री है, कोई किसी से पैसा नहीं, जाओ तेल बवाओ और दिल्ली जाओ। कहाँ है आपका पंप? बाखड़ी। इन्होंने बताया है कि पिहोवा से गुला रोड पर गांव बाखली में इनका पेट्रोल पंप है, वहां से जो लोग दिल्ली किसान आंदोलन में जाना चाहते हैं उनके लिए डीजल की व्यवस्था फ्री की गई है, तो वो वहां से डीजल भरवाकर दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा सकते हैं। तो ये थी सारी लाइव कवरेज इस अनाज मंडी एसोसिएशन की और किसानों की बैठक की पिहोवा से। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव पुरी, कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ संजीव पुरी की रिपोर्ट।